एक ऐसा समुदाय भी है, एक ऐसा वर्ग भी है जिसे लुभाने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल करता है, लेकिन गुजरात में बहुत ज्यादा इफेक्ट इस दल का नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय के लोगों की क्या समस्या है, क्या वो चाहते हैं आने वाली सरकार से? हमारे संवाददाता आलोक झा ने बात की अहमदाबाद पहुंचकर एक मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से। अरेजा गांव में हैं हम और अहमदाबाद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। यहां पे लगभग 22,000 की आबादी है जिसमें मुस्लिम समुदाय जो है वो 5 से 7,000 के बीच है। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्लिम समुदाय जो है वो बीजेपी या फिर कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, क्या गुजरात के विकास के बारे में क्या सोचती है, यही जानने के लिए सर पहला सवाल आपसे ही करूंगा मैं। विकास कितना हुआ है गुजरात का जो सरकार कहती है कि विकास हुआ है? विकास तो पढ़ता है पेपर में, और जब से नरेंद्र मोदी का राज है अच्छा चल रहा है, गुजरात में शांति भी है, और जब से आए हैं जब जो पहले तूफान होते थे अब सब रोजी रोटी कमा सकते हैं, अच्छा चलता है। इस चुनाव में क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको देख के आप सब वोट करेंगे? वो विकास का मुद्दा ही रहेगा और एकता का मुद्दा रहेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में कहा यह जाता है, कांग्रेस ये कहती है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अलग है, विकास नहीं हुआ है गुजरात। बात है वो बात गलत है उनकी। वो दिल से कुछ भी चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सर आपसे सवाल है कि इस बार क्या लगता है कि जिस तरह से पाटीदार समाज अलग हुआ है बीजेपी से, जिस तरह से जो है और अन्य जाति के नेता जो हैं वो कांग्रेस में शिफ्ट हुए हैं, लगता है आपको कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका गुजरात चुनाव? हम तो यकीन मानते हैं। अभी पाटीदार समाज ऐसा कहती है कि हमको अनामत दो, वो भी सही है। हम उनको मुस्लिम कौम को ऐसा बनती है कि कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। भाजपा को हम देते आए देंगे, और अभी तक वोट दिया फिर भी हमारा नाम बोलता कांग्रेस ही है, तो हमने वोट दिया है तो और अच्छा है मोदी साहब का, तो वोट देने में क्या तकलीफ है? तो आपको लगता है कि जिस तरह से डराया जाता है मुस्लिम समुदाय को, प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि मोदी के नाम से डराया जाता है, लगता है आपको वैसा कुछ है? हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गाँव में जो भी मिलता है सरकार तरफ से हमको मुस्लिम को दिया जाता है। तो मोदी मैजिक चलेगा इस बार चुनाव में? चलेगा, जरूर चलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं, एक तरह से डराती हैं मोदी के नाम से, ऐसा कहा जाता है मुस्लिम समुदाय को, क्या लगता है आपको वास्तव में ऐसा कुछ है? इस गांव की आबादी 22,000 है, 5 से 7,000 आप लोग हैं, कोई ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? कुछ भी नहीं लगता, गलत बात है। ये कांग्रेस वाले हाथ जान बुझ के सब करते हैं, डराते हैं। हमको मोदी सरकार आई तब से कोई ककलाट नहीं है, धंधा करते हैं बिंदास खा पी के, जल से लाभ भी मिलते हैं, सब मुस्लिम को भी साथ में लेके चलते हैं और हम सब साथ में ही है। भाजपा भी जीतेगी, 150 प्लस होगी इंशाल्लाह, 150 प्लस होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में कौन सा बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार? 22 साल बीजेपी रूल कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी का कुछ लगता है क्या आपको, कुछ होगा क्या? नहीं, वो जो सब सरकार जो भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं सब, विकास का जो 108 है ये सब, वो सही विकास किया है और वही आएगी, भाजपा सरकार ही जितनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का के कार्य को क्या समझते हैं? अच्छा है, वो अच्छी सरकार चलाते है, वो अच्छा है, प्रधानमंत्री है गुजरात के लिए, सब उन्होंने अच्छे काम किए विकास के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि 3.5 साल हो गए मोदी जी को केंद्र में गए हुए, उनके 3.5 साल के कार्यकाल को कैसे डिफाइन करेंगे? मोदी जी ने ऊपर जाकर सभी के लिए काम किया है, उन्होंने जो नोटबंदी की, वो काला नाना जो वापस लाने का था, वो सब काम किए उन्होंने, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आप व्यापार करते हैं? हाँ व्यापार। तो कहा यह जा रहा है कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों को कुछ समस्या है? वो तो चोर लोगों को समस्या है, हमको नहीं है, हम तो भरते ही है, रेगुलर भरते हैं, फिर क्या समस्या है? यानी आपको समस्या नहीं है क्योंकि टैक्स? कोई समस्या नहीं है। नोटबंदी को लेकर कहा जाता है कि नोटबंदी से लोग परेशान हुए, कांग्रेस ये कहती है? कोई परेशानी नहीं है भैया, वो तो ब्लैक नाणा होगा उसको परेशानी होगी ना, काला नाणा होगा उसको परेशानी होगी, जिसके पास ब्लैक मनी होगी उसको परेशानी होगी, जिसके पास कुछ नहीं हो जो एकदम व्हाइट है उनको कोई परेशानी
सर एक सवाल आपसे, एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से विकास के को लोग सराह रहे हैं, क्या लगता है? लेकिन ये भी बात है कि 22 साल से बीजेपी है, एंटी इनकम्बेंसी, लगता है क्या उसका कुछ फैक्टर रहेगा? नहीं, कोई फैक्टर ऐसा नहीं रहेगा। मैं पटेल समाज से हूँ, अभी हार्दिक पटेल भी पाटीदार आंदोलन, अनामत आंदोलन चला रहे, लेकिन बारेजा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बारेजा में पाटीदार समाज 80% अभी बीजेपी में ही है, और नगर पालिका का प्रेसिडेंट होने के नाते गांव में, नगर पालिका विस्तार में हमने सभी समाज नाच जात के भेदभाव के बिना लाइट पानी सफाई और रोड रास्ता का काम किया है। अभी मोदी साहब की जो भी योजना है विजय भाई रूपाणी से गुजरात गवर्नमेंट की, माँ अमृतम हो, माँ वात्सल्य हो, ये वो सब है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें करीबन 50 मुस्लिम लोग के फॉर्म हमने भरे हुए हैं और मंजूर भी हो चुके हैं, और सेवा सेतु कार्यक्रम अंतर्गत हम सभी समाज के लोगों का काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का मुद्दे पर हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी ये विकास की बात करके ये चुनाव लड़ेगी, और 80% लोग बारेजा नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की ओर मतदान करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। सर एक सवाल आपसे, जैसे कहा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो विकास से थोड़ा सा पीछे रह गया, क्या लगता है आपको ऐसा कुछ गुजरात में है? जो स्कूल बढ़ने में ध्यान नहीं देगा तो वो पीछे रहेगा, क्या माता है? अगर बढ़ता है, बनता है तो हमारे गांव में उनकी तुरंत एडमिशन होता है। और दूसरा के जो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने आवास योजना के लिए जो घर बनाने के लिए, जगह देने के लिए पैसा दिया था, वो भी हमारा मंजूर हो गया है। और इसी हिसाब में 3,50,000 की मेरे पास नवा मकान बनाने की पहुंच आई है, और इसी हिसाब के वजह से हुआ है। एक सवाल आपसे, आप कहाँ पीछे चले गए? एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि रोजगार की कमी हो रही है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं, वो कौन सी बात है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बोल रहा है कि विकास गांडा हुआ है। विकास का मुद्दा बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। विकास की जनता भारतीय जनता पार्टी है। और अगर किसी भी माँ का अगर बेटा पागल होगा, कैसा भी होगा, तो उसकी माँ को पूछो कि उसे कितनी मोहब्बत करती है। इसी तरह से विकास की जनता माँ भाजपा है, और भाजपा को मालूम है कि विकास कितना अच्छा हुआ है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं वो। सर एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल का जवाब, बहुत विधानसभा में वोट दिया होगा आपने, इस बार किस मुद्दे को देख के वोट करेंगे? हम तो भाजपा में सक्रिय कार्यक्रम है, ये हमारा सरपंच साहब है, बरसों से भाजपा में हूँ, और अभी ये विकास का मुद्दा, विकास कांग्रेस वालों को मंच पर खड़े खड़े नहीं दिखेगा, हाथ हिलाए नहीं दिखेगा, आओ अमर फिरो गुजरात में कि भाजपा ने कितना विकास किया, जब दिखेगा। तो साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि मंच से गुजरात में विकास नहीं दिखेगा, अगर गुजरात का विकास देखना है तो वो आपको गांव में आना होगा, गुजरात के शहर में आना होगा, तब जो है आपको विकास दिखेगा। आप इस बार किस मुद्दे को देख के वोट करेंगे? हमारे को तो सबसे पहली ये बात है कि आपके हाथ में क्या है, सबसे पहले तो ये बात है कि मेरे देश का बड़ा प्रधान, मेरा गांव मेरा देश, जो मेरा देश का बड़ा प्रधान वही मेरे में गर्व है, गर्व की बात है। और ये है क्या आपके अमृतम कार्ड है, तो तरह तरह की हमको सहूलत दी है, मुक्ति होगी, माँ अमृतम कार्ड है, किसी भी अस्पताल में लेके जाओ, अगर 2.5 लाख तक का जो खर्चा होता है वो हमारा जो आदरणीय हमारा जो मुख्यमंत्री जी की योजना चलती है उसमें से जाएगा खर्चा, और गरीब इंसान को इससे लाभ होता है। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास को देख के वोट करेंगे, कोई भी पार्टी अगर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर तोड़ती है तो वो टूटने वाले नहीं है, क्योंकि विकास सबके लिए जरूरी है, और जिस तरह से विकास हुआ है वो चाहते हैं कि गुजरात में आगे भी विकास हो। कैमरामैन यश के साथ आलोक झा, अहमदाबाद। तो बाराजी गांव से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि सभी का ये कहना है कि बयार तो मोदी की यहां पर बह रही है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।